है वो बागा जंक्शन है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, वो जो आपको बैरिगेट्स दिख रहे हैं वो है बागा जंक्शन। और वहाँ से अगर आप चल के आते हो इस रोड पर, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे ये है बागा बीच, ये स्ट्रेट रोड जाता है बागा बीच पर, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ, इस तरफ ये है इन्फेंट एरिया ऑल डे डाइनिंग मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, ओके ठीक है। यहाँ पे एक बेकरी भी है, ये इन्फेंट एरिया बेकरी है इस तरफ राइट साइड पे, ये आप देख सकते हो इन्फेंट एरिया रेस्टोरेंट एंड बार, ये काफ़ी फेमस जगह है। तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाइनिंग के लिए। मैं एक्चुअली यहाँ पे बिबिंका परचेज़ करने के लिए आई हूँ, तो देखते हैं इनके पास बिबिंका अवेलेबल है क्या। हेलो, डू यू हैव बिबिंका? यह है। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम कोस्टा और दिस इज़ फ्रेशली मेड इन द बेकरी? This is made in the bakery. It's made by you all in the bakery. Yeah. Okay. How much is it for? 280. And what is the quantity? 500 grams. 500 grams for 280. Can you show me that? So this is 500 grams for 280. What is the shelf life of this? कितना दिन बाहर रख सकते? कितना दिन बाहर रख सकते? 1 month बाहर रख सकते? फ्रिज में रखना पड़ता है क्या? मुझे वापस लेके जाना है इसके लिए। पैकेट खोलने के बाद फ्रिज में रखना पड़ता है, कितना दिन टिकता है ओपन करने के बाद? 1 month। और अगर पैक्ड रहेगा तो? पैक्ड रहेगा तो बाहर रख सकते हैं 1 month के लिए, और ओपन करने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं 1 month के लिए। मतलब ये फ्रिज में रखना ही पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पैकेट ओपन नहीं किया तो बाहर रख सकते हैं, राइट? अच्छा ठीक है। दो भी रखते हो क्या? आज का रेडी किया हुआ है। दो भी है? दो दोल नहीं है। ये लेमन टार्ट कितने का है? ये 90 का है। रशियन चॉकलेट चीज केक कितने का आएगा? रशियन चॉकलेट चीज केक 160 का है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो पेराद, ये भी गोवा चीज, ये भुवन का स्पेशलिटी है, स्वीट आइटम है यहाँ का। कितने का है ये पेराद गुआवा चीज? 130। ओके, सो दिस इज फॉर 130। गोवन स्पेशलिटी है बिबिंका जो है यहाँ का, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ केक। क्रिसमस के टाइम पे ये लोग बनाते हैं। आप ये रेगुलरली बनाते हो? ओके, सो ये रेगुलरली केक, ये जो बिबिंका है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ केक, स्पेशल गोवन केक बोल सकते हैं इसको। हाँ, तो ये स्वीट आइटम रहता है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो गोवा में आओगे तो बिबिंका तो बनता ही है, आप परचेज़ कर सकते हैं इस बेकरी से। काफ़ी फ्रेश आइटम्स ये बनाते हैं। तो मुझे 2 packets दीजिए बिबिंका के, 280 पर पैकेट रहे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कितने है पर पैकेट? 280 with GST. Okay. Give me 2 packets. 5% उसके ऊपर 5%। Okay. So 280 के ऊपर 5% आपको GST लगेगा।
मुझे दो पैकेज दीजिए 500 के, 1 kg। अच्छा, 1 month तक ख़राब नहीं होता है, तो ये वैक्यूम पैक करते हो आप? 8 दिन में कंज्यूम करना है फ्रिज में रखने के बाद। ओके, नहीं तो 1 month तक ये फ्रेश रहता है। और बिबिंका तो वैसे तो क्रिसमस के टाइम पे बनाते हैं, लेकिन ये बेकरी है इसके लिए आप लोग रेगुलरली बनाते हो, मतलब कस्टमर्स के ऑर्डर्स आते हैं उतने? अच्छा, हर दिन आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं मोस्टली ये लेके जाते होंगे। और कोई, अच्छा, कुछ स्पेशल? बिबिंका इज़ अ स्पेशल गोवन डिज़र्ट, राइट? एंड दोदोल इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी, यू ऑल डोंट मेक इट हियर, बट एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट यू विल मेक, दोदोल यू विल मेक ड्यूरिंग क्रिसमस एंड, ओके, ऑल इन ऑल सीजन्स यू विल मेक दिस। ओके, सो इतना स्पेशल है ये कि ये लोग रोज़ बनाते हैं यहाँ पे, जो भी टूरिस्ट आते हैं ये लोग परचेज़ करते हैं बिबिंका। तो अगर आपको भी परचेज़ करना हो तो यहाँ पे आके ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी फ्रेश, ये देख सकते हो आप, काफ़ी फ्रेश है। ओके, दिस इज़ मेड ऑफ एग योक, सो वेजिटेरियंस डोंट हैव एन ऑप्शन, बिबिंका इज़ मेड ऑफ एग, इट्स नॉट पॉसिबल। सो एगलेस बिबिंका नहीं आता है, अगर कोई भी आपको बोलता है कि एगलेस बिबिंका है तो इट्स अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन गाइस। बिबिंका हमेशा एग से ही बनता है, एग योक से बनता है, राइट? एग योक से बनता है। हाँ, तो अगर आप नॉन वेज ईटर हो, आप एग खाते हो, तो ही आप ये परचेज़ कीजिएगा। ये काफ़ी अच्छा स्वीट है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। इसमें 7 layers होते हैं। कितने लेयर्स है आप लोग जब बनाते हो बेकरी में? 8 layers। दिस स्वीट इज़ मेड ऑफ 8 layers। ये एक्चुअली किसका बनता है वो थोड़ा अगर इन्फॉर्मेशन है आपके पास बता दीजिए। ओके, कोकोनट मिल्क, एग्स, फ्लावर एंड शुगर। और एग्स में भी एग योक बना डाल के बनाते हैं, राइट? थोड़ा लाउड बोलिए। अच्छा, एग्स, एग योक जाता है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर रहता है ना, ये अवन में बेक, एक लेयर डाल के बेक करते हैं, फिर उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा लेयर बनाते हैं। कितना पूरा, कितना टाइम लगता है ऑलमोस्ट? यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट हाउ मच आई नो आई कैन गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन, दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो पीपल हु आर मेकिंग बिबिंका एट होम, दे वुड नो, प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट मी नो हाउ मच टाइम इट टेक्स, आई नेवर प्रिपेयर्ड इट एट होम, आई हैव जस्ट हर्ड अबाउट दिस ग्रेट फैंटास्टिक स्वीट। सो अगर कोई गोवन इस वीडियो को देख रहा है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना टाइम लगता है इस प्रेपरेशन में। थैंक यू। बेकरी में आप लोग ऑनलाइन और कैश दोनों पेमेंट एक्सेप्ट करते हो? कार्ड से भी एक्सेप्ट करते हो? तो ये स्कैन एंड पे कर सकते हो आप। और इन्फेंट एरिया के रूम्स भी है क्या, होटल रूम्स? हाँ, इन्फेंट एरिया कम्फर्ट। अच्छा, इन्फेंट एरिया कम्फर्ट, वो ट्रांसपोर्ट जो पार्किंग एरिया है, अच्छा, जो आपने वीडियो में देखा होगा मेरे वीडियोस में, पार्किंग जो मैंने बताया था, कार पार्किंग एरिया वगैरह, वहाँ पे इन्फेंट एरिया रूम्स भी है, इन्फेंट एरिया कम्फर्ट रूम्स करके है। और ये सेम उन्हीं का प्रॉपर्टी है, द ओनर इज़ द सेम, एंड हुज़ द ओनर? जॉयल फर्नांडिस। ओके, सो दिस इज़ अ डाइनिंग, इट्स अ फुल डाइनिंग रेस्टोरेंट, राइट? ऑल क्विजींस आर सर्व? ओके, इट्स अ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट। एंड कैन आई गेट योर नेम? Tony, and what's yours? Rehan. Okay, thank you so much. So if someone wants to place an order for bibinka or any other sweet, they can call you guys, right? Could you tell me the number, please? 9992. Okay. 0526. Okay, fine. So guys, you can check out the number. I'll also display it on the video, as well as I'll give it in the description box. You can make a note of it. Thank you. So guys, this is the bibinka which we had bought from Goa, and it's one of the most famous dessert in Goa, and I'm going to just unpack this now. This was kept in the refrigerator, so let me just cut this.
So these are two packets that we had bought. This is 500 grams each. And this was for 280 rupees. You would have seen it in the previous video as well. So guys, this is the bibinca, which is the most popular dessert of Goa. And this bibinca is usually made during Christmas season, but these days you'll find it in Goa because Goa being a touristic destination, a lot of people keep traveling to Goa. So you'll find this delicious sweet available all over. Let's just cut this now. You can see these layers here. So typically the bibinca is made with 7 layers. So either 7 to, they go up to 16 as well. So here we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are 7 layers. Wow, just look at that. It looks so beautiful. So bibinca is my favorite and my mom's favorite too. So let me just take one bite. The taste kar. Kaise hai mummy bibinca? Bahut bada sa bibinca. Okay, so she has liked the bibinca. Let me go for a bite. It's so yummy, guys. Lovely.